अच्छा बेटा हमारा जो आज का लेक्चर है ना वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, जिस पे हमने देखना है कि डेटा कैसे कम्युनिकेट करता है और कंप्यूटर के नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको हमने गो थ्रू करना है। तो बेटा जो सबसे पहली चीज़ है जब हम बात करते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, तो द फर्स्ट वर्ड वी हैव टू डिस्कस इज कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बेटा देखें कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू द अदर यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडियम। मीन्स के आप कम्युनिकेशन में क्या करते हो बेटा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हो। जैसे इफ यू वांट टू डिस्कस सम इश्यू विद योर फ्रेंड, तो आप क्या करते हो बेटा, उससे कम्युनिकेट करते हो ना वाया टेक्स्ट और अ कॉल, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फिर आप कोई एक ट्रांसमिशन मीडियम यूज करते हो। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है बेटा, आपका जो अब सिम है, सिम कैरियर्स जो है आपके, वेदर इट्स अ टेलीनॉर अ मोबिलिंक और अ यूफोन। तो आप क्या करते हो बेटा, या फिर आप ओवर इंटरनेट उससे कम्युनिकेट करते हो बाय यूजिंग सम सोशल मीडिया एप्स। तो होता है क्या है बेटा, द बेसिक थिंग इज यू हैव टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आप अपने पास से कहीं और, मतलब एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी से बेटा क्या कर रही होती है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही होती है, ठीक है, बाय यूजिंग सम ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये तो कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। जब हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन की, तो डेटा कम्युनिकेशन मीन्स नाउ यू आर गोइंग टू एक्सचेंज अ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। तो ये जर्नल सी डेफिनेशन है, द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। अब यहाँ जो उन्होंने फॉर्मल डेफिनेशन लिखी है बेटा, वो क्या है, डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा इन द फॉर्म्स ऑफ जीरोस एंड वंस बिटवीन टू डिवाइसेस। टू डिवाइसेस मीन्स वेदर यू हैव अ सेल फोन और अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप, एनी मीडियम, एनी डिवाइसेस, ठीक है, वाई यूजिंग फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम यूजिंग अ प्रोटोकॉल। मीन्स के आप किसी एक ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करते हो, वो ट्रांसमिशन मीडियम बेटा कुछ प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा होता है। द टर्म है ना बेटा प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल क्या है बेटा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपकी जो ट्रांसमिशन मीडियम जब कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस, तो उनको वो प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, या वो रूल्स जो गिवन होते हैं उनको फॉलो करना होता है। तो दूज रूल्स आर नोन एज प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम बहुत आसानी से बात करें कि भाई ये डेटा कम्युनिकेशन क्या है, तो हम ये कहते हैं बेटा कि डेटा का ट्रांसफर या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर बिटवीन सोर्स एंड अ रिसीवर। सोर्स इज समवन जो सेंड कर रहा है बेटा, रिसीवर क्या है, जिसको इंफॉर्मेशन या डेटा रिसीव हुआ है। तो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन के बेटा पांच कॉम्पोनेंट्स हैं। जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट है वो है सेंड, सेकेंड इज रिसीवर, द थर्ड वन इज मैसेज, द फोर्थ वन इज मीडियम एंड अ प्रोटोकॉल। तो इनको अभी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स। तो आप देखें बेटा सबसे पहला है सेंडर। तो जब हम बात करते हैं सेंडर की, तो सेंडर इज द डिवाइस विच सेंड्स द डेटा और अ मैसेज। के क्या डिवाइस है, या तो जो है ऐसी डिवाइस जो बेटा डेटा या मैसेज को सेंड करेगी, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका वर्क स्टेशन सिस्टम भी हो सकता है, आपका टेलीफोन हैंडसेट भी हो सकता है, आपका सेल फोन भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जो रिसीवर है बेटा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि सेंडर्स में क्या था, इट इज द डिवाइस विच सेंड्स, तो रिसीवर क्या होगा बेटा, वही होगा, बट वी कैन से दैट इट इज द डिवाइस विच रिसीव्स, ठीक है। तो जो रिसीव करेगी उस डाटा को जो सेंडर ने भेजा है, या उस मैसेज को जो आपके सेंडर ने भेजा है आपको, तो वो भी देखें सेंडर और रिसीवर दोनों डिवाइसेस होंगी, तो डिवाइसेस में जो वहां थी बेटा वो यहाँ हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर सेंडर एंड रिसीवर। बट वेन वी टॉक अबाउट मैसेज, तो मैसेज क्या है बेटा, कि जिसके लिए कम्युनिकेशन किया जा रहा है, इट इज द डेटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट, ठीक है। अब वो जो डेटा या इन्फॉर्मेशन है बेटा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स हैं बेटा आपके डेटा या इन्फॉर्मेशन के, जो आप कम्युनिकेट करते हो विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली और समवन एल्स, तो वो क्या क्या है बेटा, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स इंक्लूड टेक्स्ट हो सकता है, या कोई पिक्चर हो सकती है, या कोई ऑडियो हो सकती है, या कोई वीडियो हो सकती है। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मैसेज यू हैव टू कम्युनिकेट इट, ठीक है। मीडियम क्या है बेटा, मीडियम बेसिकली द फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, कि वो पाथ जो सेंडर जब मैसेज भेजता है, वो फिजिकल पाथ जो मैसेज ट्रेवल होते हुए फॉलो करता है टूवर्ड्स रिसीवर, उस पाथ को, उस फिजिकल पाथ को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको मीडियम कहते हैं। अब वो मीडियम किस तरह का हो सकता है, हेयर देयर आर सम एग्जांपल्स, द ट्विस्टेड पेयर वायर, ये भी हम देखेंगे, कोएक्सियल केबल हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकती हैं। तो दीज ऑल आर द मीडियम्स थ्रू विच मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अच्छा
इसी तरह प्रोटोकॉल्स क्या है बेटा, जो जैसे मैंने बताया था कि बेसिकली दीज आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन, जो पॉसिबल करती हैं कम्युनिकेशन को, उसमें दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें क्या है, इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। सबसे पहले जो है वो एक एग्रीमेंट फॉलो करना होता है फॉर बोथ द डिवाइसेस कि वेदर दीज डिवाइसेस कैन बी कम्युनिकेटेड और नॉट। ठीक है, विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। तो विदाउट प्रोटोकॉल, जब तक वो प्रोटोकॉल फुलफिल नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, तो डिवाइसेस में भी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती। कनेक्ट तो हो जाएंगे, कनेक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, द बेसिक प्रॉब्लम इज देन हाउ दीज टू डिवाइसेस विल कम्युनिकेट विद ईच अदर इफ दे डोंट फॉलो दी प्रोटोकॉल्स। तो हम ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या है, बेसिकली दीज आर दी सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न्स द कम्युनिकेशन, जो आपके कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना। ठीक है, अच्छा, अब डेटा कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड्स होते हैं। ठीक है, मोड्स हम देखेंगे। अब सबसे जो पहला मोड है बेटा, वो सिंप्लेक्स मोड है। सेकेंड मोड इज हाफ डुप्लेक्स मोड एंड थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स मोड। बेटा जब हम बात करते हैं ना सिंप्लेक्स मोड की, तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, डेटा कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। मीन्स के आपका जब डेटा फ्लो होगा तो इट विल फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, के या के सेंडर जो है वो सिर्फ डेटा को सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, कैसे, जैसे बेटा आपके पास अगर यहाँ लिखा है डेटा सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू प्रिंटर, मीन्स इफ यू वॉन्ट टू सेंड अ कमांड टू प्रिंटर बाय यूजिंग कंप्यूटर, तो क्या आपका प्रिंटर आपको इन्फॉर्म करता है कि भाई प्रिंट हो गया है? ऐसा कभी हुआ है आज तक कि प्रिंट हो गया हो पेपर और वो प्रिंटर जो है वो वापस आपको इंटीमेट करे, हाँ भाई ये इंटीमेशन आएगा आपके पास कि भाई पेपर प्रिंट हो गया? नहीं होता ना। सेम एज इट इज बेटा, सिंप्लेक्स मोड को अगर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखें, तो आपके पास टीवी जो होता है उसका रिमोट जो है वो भी क्या करता है बेटा, सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, कि आप जो है रिमोट से चैनल चेंज कर सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि टीवी ने वापस बोला हो कि नहीं भाई तुमने आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज कर दी है, इसको स्लो कर दो? या आज तक कभी बोला है कि भाई ये जो चैनल है ना मैं ये नहीं लगाने दूंगा, और आज जो है बस मतलब यू वॉन्ट टू इफ यू वॉन्ट टू व्यू अ न्यूज चैनल तो द टीवी विल रिस्ट्रिक्टेड यू टू डैट, यू हैव टू ओनली वॉच अ ARY बट नॉट यू कैन नॉट वॉच अ जियो। ऐसा कभी हुआ है आज तक? नहीं ना। आप रिमोट से जो इंस्ट्रक्शन उसे देते हो इट विल फुलफिल, रिजल्ट में आप कुछ भी फॉलो नहीं करते, मतलब रिसीव कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स मोड होता है जिसमें एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है बेटा, जो सेकेंड चीज है हाफ डुप्लेक्स मोड, उसमें क्या होता है बेटा, डेटा कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन एट अ टाइम। कि आपके डेटा का फ्लो बोथ डायरेक्शन में होता है बट यू हैव टू फॉलो दैट कम्युनिकेशन ओनली एट अ वन टाइम। मीन्स कि अगर एक डिवाइस का मैसेज भेज रही है तो दूसरी उस वक्त में रिसीव करेगी, दूसरी भेज रही है तो पहली रिसीव करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक वक्त में डेटा भेजे भी और रिसीव भी करें, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी सबसे आसान एग्जांपल बेटा क्या है कि आप जब वॉकी टॉकी अगर आपने कभी सुना हो या यूज एज अ टॉय यूज किया हो, या आपने कभी जो है पुलिस वालों को बात करते हुए या फोर्सेस वालों को बात करते हुए देखो, दे आर यूज अ वॉकी टॉकीज। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है बेटा, वॉकी टॉकी में ये फीचर होता है कि एक वक्त में जो है वो बोलते हैं, बाकी सब सुन रहे होते हैं, दूसरे वक्त बोलते हैं और वो सुनते हैं। जी बेटा, कुछ कह रही हैं सिदरा? सर, सर आपकी आवाज बहुत कट, बेटा आपकी आवाज कट रही है, बाकी किसी को कोई इशू आ रहा है मेरी आवाज का? नो सर। बेटा सिदरा आपकी तरफ सिग्नल्स का इशू है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं बेटा हाफ डुप्लेक्स मोड में, कि एक वक्त में एक जो डाटा है वो फ्लो करता है, ठीक है, बट यू कैन नॉट कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली एट वन टाइम। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स के अंदर। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है बेटा, एक मैसेज जो है वो भेजना होता है किसी को, तो वो बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। सेम एज इट इज बाकी किसी को बोलना होता है तो बाकी सब एज अ एक्ट करते हैं बेटा, रिसीविंग डिवाइस, और वो जो है वो सेंडर बन जाता है। इसी तरह बेटा इंटरनेट ब्राउजिंग भी आपका हाफ डुप्लेक्स मोड है, कि आप कुछ भी सर्च करते हो बेटा, एक वक्त में आप सर्च करते हो ना, फिर दूसरे वक्त में वो आपको सर्च के रिजल्ट ला के देता है। ऐसा तो नहीं होता ना, आप लिख भी रहे हो और वो डाटा वहां से आपको शो होना भी शुरू हो जाए, जब तक आप सर्च एंटर नहीं करते या ब्राउज नहीं करते प्रॉपर, तो क्या होता है कि सजेशन तो देता है बट जब तक आप उसको कम्प्लीटली सर्चिंग या एंटर का बटन नहीं प्रेस करते या क्लिक नहीं करते ऑन दैट वेब लिंक, तब तक वो है आपको डेटा नहीं लाके दे रहा था। तो सेम एज इट इज बेटा हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा और सेंट अल्टरनेटिवली एक्ट कर रहे होते हैं, एक वक्त में डेटा सेंट होता है, एक वक्त में रिसीव होता है। ऐसा नहीं होता कि एक वक्त में सेंड और रिसीव हो रहा है।
ठीक है, तो अब आप सबको पता चल गया होगा कि भाई जब हम फुल डुप्लेक्स पढ़ेंगे तो उसका क्या मतलब होगा। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है बेटा, डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, कि आपका जो डाटा है बेटा एक ही वक्त में बोथ डायरेक्शन में कम्युनिकेट करता है। जैसे आप सेलफोन की अगर बात करें या अभी हम जूम की बात करें, तो जूम या इंटरनेट हमें क्या करता है बेटा, आपको अलाउ करता है कि आप भी बोल सकते हैं। मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ, आप में से कोई बोलना शुरू हो जाए तो क्या होता है, क्या मेरी आवाज आना बंद हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता ना, या आपकी आवाज आना बंद हो जाती है? या ऐसा तो नहीं है कि आप में से कोई बोलेगा तो मेरा माइक ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा, फिर मुझे वो बात सुननी पड़ेगी, फिर मैं बोलूंगा तो आप सबको सुनना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। तो फुल डुप्लेक्स मोड में ये होता है कि यू कैन डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम और अ साइमल्टेनियसली, ठीक है। इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, तो ये दुनिया का फास्टेस्ट मोड है बेटा कम्युनिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम, वही बात हो गई कि आप जो है वो सेलफोन से अगर कॉल कर रहे हैं या टेलीफोन से कॉल कर रहे हैं। इस तरह बेटा डेटा कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स होती हैं, वो मोड्स से ये टाइप्स हैं। जब हम बात करते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, वेदर देयर मे बी अ पैरेलल कम्युनिकेशन ऑफ डेटा और आइदर इट मे बी अ सीरियल कम्युनिकेशन। देखिए बेटा, पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना बेटा, वो साइमल्टेनियसली बिट्स, मल्टीपल बिट्स को सेंड कर सकता है, ठीक है। मीन्स के यूजली 8 बिट्स और अ बाइट और अ कैरेक्टर आर सेंट और रिसीव्ड साइमल्टेनियसली। जैसे आप बेटा प्रिंट की कमांड देते हो, तो प्रिंट की कमांड देते हो तो क्या होता है बेटा कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो सारा का सारा प्रिंट होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि प्रिंटर जो है वो कहे नहीं मुझे एक लाइन भेजो पहले, मैं वो प्रिंट करूंगा, फिर दोबारा पेपर लगाओ, दूसरी लाइन लिखो, फिर भेजो। ऐसा तो नहीं होता ना आपके पास। तो डेट्स हाउ मोर स्पीड बट विद अ कॉस्ट सेंस, मल्टीपल वायर्स कॉस्ट मोर देन अ सिंगल वायर। तो होता है क्या बेटा, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है पैरेलल कम्युनिकेशन की, इसकी कॉस्ट भी हाई होती है। और नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो एग्जाम्पल है बेटा कनेक्शन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर, वो एग्जाम्पल जो मैंने दिया बेटा कि आपके पास कंप्यूटर और प्रिंटर का जो कनेक्शन होता है बेटा वो पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। इसी तरह बेटा सीरियल कम्युनिकेशन में क्या है, यहाँ हम बात कर रहे थे कि व्हेन मल्टीपल बिट्स आर सेंट एंड रिसीव्ड साइमल्टेनियसली। तो देखिए बेटा, जब सीरियल की बात होती है तो व्हेन बिट्स आर सेंट और रिसीव्ड सिक्वेंशली, या तो भेजी जाएंगी, मतलब लिमिटेड डाटा जाना है, अब उसने बिट्स की फॉर्म में नहीं जाना, मतलब बाइट और करेक्टर नहीं जा रहे होंगे। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ अ वायर बट स्लो द स्पीड। यहाँ ऐसा नहीं होता बेटा, आप मल्टीपल प्रिंट भेज दें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ क्या होता है बेटा कि जब आपके क्या कहते हैं डेटा बढ़ता चला जाता है, उससे आपकी जो स्पीड है बेटा वो कम्युनिकेशन की वो लो होना शुरू हो जाती है। कैसे होती है वो मैं बताता हूँ आपको। व्हेन बिट्स आर सेंट और रिसीव्ड सिक्वेंशली, तो हम कहते हैं कि ऐसा डेटा सीरियल कम्युनिकेशन होता है। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ वायर बट ऑल्सो स्पीड द कनेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इससे क्या होता है बेटा, वायर की कॉस्ट जैसे वहाँ पैरेलल कम्युनिकेशन में बहुत आए थे, यहाँ लो होती है, बट आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना होता है स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे आपकी कनेक्शन ओवर अ वैन लिंक, आपका जो वायरलेस एरिया है या वाइड एरिया नेटवर्क होता है, या आपके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, आपके राउटर के साथ दो लोग घर के कनेक्ट हैं, तो आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ रही होती है। सेम एज इट इज, जिस जिस तरह शाम होना शुरू होती है और नेटवर्क पे लोड बढ़ना शुरू होता है तो क्या होता है, इंटरनेट खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही होता है बेटा। तो बेसिकली दैट्स द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन, कि जितने ज्यादा कनेक्शन ओवर अ वैन लिंक बढ़ते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बेटा क्या होना शुरू हो जाती है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। क्लियर है ये चीज बेटा, पैरेलल कम्युनिकेशन सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, देन वी हैव अ डिफरेंट सिग्नल्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, के डिफरेंट सिग्नल्स कौन कौन से हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर बेटा। दो सिग्नल्स हैं, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल। ये हमने बहुत शुरू में भी पढ़ा था कि आपके पास डिजिटल कंप्यूटर्स थे और एनालॉग कंप्यूटर्स थे, तो उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब हम एनालॉग की बात करते हैं तो देयर में बी अ कॉन्टिन्यूस रेंज, जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो देयर में बी अ डिस्क्रीट वैल्यूज। सेम एज इट इज यहाँ पे भी है बेटा, क्या एनालॉग सिग्नल्स बेटा दे आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर, दे ट्रांसमिटेड पावर वेरीज ओवर अ कॉन्टिन्यूस रेंज, को पर्टिकुलर रेंज के अराउंड जो है बेटा मूव करते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है आपके एनालॉग सिग्नल में साउंड है, लाइट है और रेडियो वेव्स है। इसी तरह बेटा डिजिटल जो है बेटा वो क्या है, सिक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्सेस रिप्रेजेंटेड बाइनरी फॉर्म, डिस्क्रीट वैल्यूज। वही बात, कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल इज डिजिटल, तो जो कंप्यूटर बेटा जो सिग्नल जनरेट करता है दीज आर डिजिटल सिग्नल्स। इसी तरह बेटा कंप्यूटर जनरेट डिजिटल डेटा सिग्नल्स बट टेलीफोन लाइन्स कैरीज इट एनालॉग। कंप्यूटर होता क्या है बेटा कि जब आप सिस्टम पे काम कर रहे होते हो या कंप्यूटर पे कोई डेटा जनरेट करते हो, दे विल जनरेटेड इन अ डिजिटल फॉर्म, बट व्हेन दे पुट ऑन टू द नेटवर्क, तो जो टेलीफोन लाइन्स है बेटा वो उसको एज अ एनालॉग कैरी करती है, ठीक है। फिर होता है क्या बेटा, डेटा ट्रांसमिशन क्योंकि प्रेफर करती है अलॉन्ग एनालॉग ट्रांसमिशन को, क्योंकि
इसकी कॉस्ट कम होती है, इसका ट्रांसमिशन स्पीड ज्यादा होती है और लोअर एरर रेट होता है, ठीक है, जबकि आपकी जो डिजिटल एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है उसमें प्रॉब्लम होती है, मीन्स के दे मे बी अ हाई रेट और कॉस्ट इज हाई, ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो। तो हम क्या करते हैं बेटा कि आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो पहले एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा में कन्वर्ट होता है और देन इट विल मूव और कैरी बाया जो है नेटवर्क कैरियर और इट विल सेंड टू द सेंडर रिसीवर। सो व्हेन डिजिटल डेटा सिग्नल इज सेंट ओवर एन एनालॉग फैसिलिटी, तो जब भी आप क्या करते हो बेटा डिजिटल डेटा सिग्नल्स को भेजते हैं यूजिंग एनालॉग फैसिलिटी, तो आपको कुछ काम करना होता है। वो काम क्या करना होता है कि या तो आपको आपने जैसे एफएम और एएम की बात एएम सुना होगा, एफएम क्या होता है बेटा जो आप लोग नॉर्मली रेडियो जब यूज किया जाए या आप रेडियो यूज कर रहे हो तो दे विल गिव यू बोथ मोड के आपने एएम पे जाना है या एफएम पे जाना है। तो बेसिकली दीज टू मोड्स आर, फर्स्ट वन इज एफएम इज अ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एएम इज अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि जब आपके डेटा सिग्नल्स को ओवर सेंड किया जाता है ओवर एनालॉग फैसिलिटी यू हैव टू परफॉर्म अ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है बेटा, मॉड्यूलेशन को हम ये कहते हैं कि जब आप डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग फॉर्म के अंदर, दिस फिनोमेना इज नोन एज मॉड्यूलेशन। इसी तरह जब आप कन्वर्ट करते हो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है, डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपके डिजिटल सिग्नल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम डिजिटल नेचर टू एनालॉग, द फिनोमेना इज नोन एज मॉड्यूलेशन। और जब एनालॉग सिग्नल्स को वापस, क्योंकि देखे ना बेटा आपका जो डेटा था वो डिजिटल फॉर्म में जनरेट हुआ था लेकिन जब वो नेटवर्क फ्लो हुआ तो एनालॉग बन गया, तो क्या आपको अगर एनालॉग डेटा दिखेगा तो आप तो पता ही नहीं कर सकते कि क्या भेजा गया है। तो डेट्स वाई द मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन फिनोमेना इज अप्लाइड ऑन योर डेटा एंड देन यू विल गेट अ डिजिटल डेटा एट द एंड। तो अब होता क्या है बेटा, ये उसके लिए यूज क्या होती है बेटा, मॉडेम यूज होती है जो ये डी मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन का फैक्टर कैरी आउट कर रही होती है। तो इन डेटा कम्युनिकेशन मॉडेम इज अ शॉर्ट ऑफ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेटर। बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम यही है बेटा कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करे और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करे। तो जो मॉडेम्स लगे हुए होते हैं जो आपके राउटर्स हैं उनका काम यही है। इट इज एसेंशियल पीस ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड व्हेन टू डिजिटल डिवाइसेस वांट टू कम्युनिकेट ओवर अ एनालॉग ट्रांसमिशन चैनल। तो यही होता है बेटा कि आपके पास जब भी आपके हार्डवेयर को रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है ओवर अ ट्रांसमिशन चैनल तो यू हैव यूज अ मॉडेम, ठीक है, ताकि आपकी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का जो फैक्टर है वो प्रॉपरली उस पर काम कर सके, ठीक है। अच्छा अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, अब तक तो हम देख रहे थे डाटा कम्युनिकेशन, अब हम आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे। नेटवर्क क्या होता है बेटा, नेटवर्क ग्रुप को कहते हैं। जैसे आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आप कहते हो कि ये मेरे ग्रुप है, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपकी क्लास में जो है वो फहीम हारून और आमिर का है या साकिब का है, हम एक ग्रुप में, तो दैट ग्रुप इज अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड, ठीक है, सेम एज इट इज। इसी तरह अगर जो हमारी क्लास में हफीफा है, अरीशा है, सिदरा है और अबू बकर है, ये लोग कहें कि भाई हमारा एक अलग ग्रुप है, तो दिस इज द अनदर नेटवर्क ऑफ पीपल। तो हम सेम एज इट इज, इसी तरह हम जब कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं ना बेटा, तो जो इंटरकनेक्टेड कलेक्शन होती है, ठीक है, ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स डेट आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ताकि आपके कंप्यूटर जो उस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर, इंटरकनेक्टेड कलेक्शन के अंदर एक्सचेंज कर सके इंफॉर्मेशन, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर हुआ बेटा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, दो या दो से ज्यादा इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स हैं बेटा जो केपेबल होती हैं कि अपने इन बिटवीन जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके, तो वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। जैसे आप लोग ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो है वो एक मैसेज, आपका अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बना हुआ है तो आप क्या करते हैं एक मैसेज करते हैं वो सब उसको पढ़ लेते हैं ना, तो डैट्स हाउ नेटवर्क कैन बी एक्ट इन अ कंप्यूटर कैटेगरी, वी यूज अ टर्म कंप्यूटर नेटवर्क फॉर दैट, ठीक है। इट अलाउज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन यूजर्स, तो जितने भी लोग उस कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं बेटा, तो जो लोग उन कंप्यूटर्स को यूज करते हैं बेटा, दे कैन इजिली कम्युनिकेट विद ईच अदर और दे कैन इजिली कोलैबोरेट विद ईच अदर, ठीक है। तो द मोस्ट एलिमेंट्री कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू कंप्यूटर्स कम्युनिकेटिंग ओवर अ केबल, तो जो मिनिमम आपका नेटवर्क जनरेट होता है या बनता है बेटा उसके लिए जरूरी क्या है कि दो कंप्यूटर तो होने चाहिए कम से कम, ठीक है, और एक ओवर अ केबल मींस के उनका जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है बेटा ओवर अ मे बी एथरनेट वायर जो है वो होनी चाहिए। अच्छा हम हमें नीड क्यों पड़ी कंप्यूटर नेटवर्क की, तो बेसिकली देखें बेटा नीड इसलिए पड़ी कि वी हैव मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर शेयरिंग, तो
शेयरिंग ऑफ रिसोर्स हो सकता है, शेयरिंग ऑफ डेटा हो सकता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज हो सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है बेटा कि आप लोग जब आपको कोई असाइनमेंट मिलता है या जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो, तो अगर किसी से नहीं हो रहा और एक कोई एक स्टूडेंट उसको सॉल्व करके ग्रुप पे डाल देता है, तो देन यू कैन इजिली शेयर योर थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम। आप सब उसको अंडरस्टैंड करते हो, फिर आप उसको कर सकते हो ना सॉल्व। तो बेसिकली जिस तरह आप रियल लाइफ के अंदर अपने कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स को देखते हो और उनसे अपने जो है वो डाटा शेयर करते हो या आइडियाज शेयर करते हो या कोई भी चीज़ शेयर करते हो, तो यू हैव मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड और उसके थ्रू शेयर करते हो। सेम एज इट इज बेटा कंप्यूटर नेटवर्क भी, इसीलिए जो है वो इस नीड को देखते हुए कि भाई एक ही मैसेज मुझे 5 लोगों का करना है, ठीक है, ऑलमोस्ट डेली। तो मैं ये नहीं करूँ कि मैं एक ग्रुप बना लूँ और एक मैसेज को उस ग्रुप में डाल दूँ तो वो 5-6 लोगों को मिल जाएगा। तो डेट्स हाउ वी नीड अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो द बेसिक नीड फॉर दिस इज वी हैव अ मल्टीपल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, ठीक है। अब यूजेस क्या है बेटा कंप्यूटर नेटवर्क्स के? यू कैन ईमेल योर फ्रेंड, यू कैन सर्च वाया www, यू कैन परफॉर्म अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यू कैन शेयर, यू कैन ट्रांसफर अ फाइल फ्रॉम वन टू अनदर, यू कैन कंट्रोल अ रोबोट एंड मशीन्स। इसी तरह बेटा ये सारी इसकी एप्लीकेशन हैं, इनको गो थ्रू कर लेना। फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बेटा इनको जो क्लासिफाई किया गया है, जो जर्नल है वो लोकल एरिया नेटवर्क है और वाइड एरिया नेटवर्क है। देखें बेटा जो टर्म है लोकल ऑलवेज मीन्स के दे आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। तो कंप्यूटर आर ऑल्सो क्लोज टू ईच अदर। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसके कंप्यूटर जो है बेटा वो क्लोजर अपार्ट होते हैं। इसी तरह नॉर्मली कंटेन्ड इन वन ऑफिस और अ बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन हैव सेवरल लैंस। कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि वो एक पर्टिकुलर लैन जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा हो, दे मे हैव सेवरल लैंस। इसी तरह बेटा जो वर्ड है वाइड, इट मीन्स के बिगर पिक्चर, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लैंस जो है बेटा वो विद ईच अदर कनेक्टेड होते हैं और फिर जो है वो इसी तरह फैलते फैलते स्पैन ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। इस तरह बेटा ये स्मॉल ऑफिस और अ बिल्डिंग को कैप्चर कर रहा था, तो इट विल कवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। टिपिकली यूज फॉर पब्लिक और लीज लाइंस। तो नॉर्मली जो है वो वाइड एरिया जो है वो यूज फॉर पब्लिक और लीज लाइंस होता है, ठीक है। इसी तरह बेटा डिफरेंट और नेटवर्क की टाइप है, जिसमें मैन है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जो लैन से बड़ा होता है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। इसी तरह पैन है बेटा पर्सनल एरिया नेटवर्क विच इज रिलेटेड टू योर ब्लूटूथ और अ पर्सनल वाईफाई कनेक्शंस। तो ये कुछ टाइप्स हैं। इसी तरह बेटा जब कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो उसके लिए क्या आपके वेज होते हैं? तो देर आर टू वेज इन विच कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिजाइन। तो जो पहला वे है बेटा वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और दूसरा है पी टू पी नेटवर्क। देखिए बेटा जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, नोड्स एंड सर्वर शेयर द डाटा रोल्स। तो जो नोड्स होती हैं और सर्वर्स, बेसिकली ये कंप्यूटर ही होते हैं। सर्वर जो है बेटा इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो आपका कंप्यूटर सर्वर की तरह एक्ट कर रहा होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होता है और उसके पास सारा एक्सेस होता है, ठीक है। और बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको नोड्स कहते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाऊं, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, देखिए बेटा ये आपके पास एक कंप्यूटर है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये जो है वो 1 है, ये जो है बेटा ये 2 है, ठीक है, ये जो है वो 3 है, ये जो है वो 4 है, और ये जो है वो 5, ठीक है। देखो बेटा ये सब के सब सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर मैं इसको कह देता हूँ ना ये मेरा सर्वर कंप्यूटर है, तो डैट कंप्यूटर इज द बैकबोन ऑफ डैट नेटवर्क, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा प्रियोरिटाइज कौन सा सिस्टम हुआ है, ये वाला, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर इन द नेटवर्क। ये सारे क्लाइंट है, मतलब ये नोड्स हैं सारे के सारे, ठीक है। अब इनको मैं नोड कह रहा हूँ और इसको मैं सर्वर कह रहा हूँ, ठीक है। तो होता है क्या है बेटा कि बाय इफ यू वॉन्ट टू गेट अ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर और यू वॉन्ट टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर, तो आपको क्या होता है बेटा, जैसे आप लोगों का जो है वो फेसबुक पे अकाउंट है, ठीक है। तो अब आप जब भी आपको फेसबुक के सर्वर को एक्सेस करना होता है या यूज करनी होती है, तो यू हैव टू लॉग इन इनटू दैट सिस्टम बाय यूजिंग सम क्रेडेंशियल्स। ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि
कि हर कोई जिसका अकाउंट है नहीं है वो फेसबुक को एक्सेस कर ले, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं होती ना बेटा। तो अगर ये डाउन हो जाए, मतलब फेसबुक जो है वो डाउन हो जाए, तो क्या बाकी इनके पास फेसबुक सही चल रही होगी या स्लो हो जाएगी? जी बेटा, तो ऑब्वियस है बेटा कि जब सर्वर सिस्टम ही वीक हुआ हुआ है या लिंक डाउन हुआ हुआ है, तो बाकी सबके पास तो ऑब्वियस है कि वो जो है वो लिंक डाउन हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सर्वर कंप्यूटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर, ठीक है। और जितने भी नोड एक्सेस हैं बेटा कि किसको क्या एक्सेस देना है, वो सब कौन डिसाइड करता है? आपका सर्वर डिसाइड करता है, ठीक है। इसी तरह नोड गेन एक्सेस टू सर्वर रिसोर्सेज बाय लॉगिंग, मींस कि आपको अगर सर्वर को एक्सेस करना है तो यू हैव टू हैव सम क्रेडेंशियल्स बाय यूजिंग दैट सर्वर। लेकिन जो बेटा पीयर टू पीयर नेटवर्क है, द वर्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क को हम बेटा पी टू पी भी लिखते हैं, ठीक है। तो पी टू पी नेटवर्क जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है बेटा, जिस तरह अभी मैं कह रहा था ना कि सर्वर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर होता है, और अगर सर्वर खराब हो जाए तो जो है वो काम नहीं हो सकता, तो पी टू पी नेटवर्क में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें सारी की सारी नोड जो है ना बेटा वो बराबर है और सबके पास एक ही जैसा कंट्रोल होता है, ठीक है। नोड्स अक्रॉस रिसोर्सेज ऑन द अदर नोड्स, इसी तरह बेटा आप जो है वो शेयर कर सकते हो डिफरेंट नोड्स विद ईच अदर, ठीक है। जबकि जो बेटा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क था, इट विल एक्ट फॉर अ ह्यूज नेटवर्क, ठीक है, इट विल डिजाइन फॉर अ ह्यूज नेटवर्क। लेकिन जो बेटा आपका पी टू पी नेटवर्क है, ये नॉर्मली डिजाइन फॉर अ स्मॉल नेटवर्क, तो बहुत लिमिटेड है, मतलब चार पांच कंप्यूटर कनेक्ट है या दो तीन कंप्यूटर कनेक्ट है। बट वेन वी टॉक अबाउट थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, देन वी हैव अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। बट इफ वी हैव अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ मे बी ग्रुप ऑफ फोर और फाइव पीपल्स, सो वी हैव अ पी टू पी नेटवर्क इन दैट सिनेरियो, ठीक है। अच्छा, अब जब हम नेटवर्क बनाते हैं बेटा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो नॉर्मली देयर आर फाइव वेज, यहाँ उन्होंने चार लिखे हैं, तो चैनल पे मैंने एक जो है वो वीडियोस अपलोड की हुई है, उसमें पांचवा जो है ना वो वे भी है, तो उसको हम डिस्कस भी करेंगे क्लास में भी, और इस वीडियो को मैं भी अपलोड कर लूंगा, तो आप दोनों वीडियोस को गो थ्रू कर लेना। तो वी कैन से डेट कंप्यूटर नेटवर्क्स आर स्ट्रक्चर्ड इन फोर वेज, बस, स्टार, रिंग एंड अ मैश। और जो फिफ्थ वन है बेटा वो है हाइब्रिड, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी, देयर आर फाइव वेज इन विच कंप्यूटर नेटवर्क्स आर स्ट्रक्चर्ड। तो जो नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, दे इन ये जो जो मैंने वर्ड यूज किए हैं कि बस टोपोलॉजी, तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, इनको हम नेटवर्क टोपोलॉजीज कहते हैं। बेटा टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है? टोपोलॉजी का मतलब ये होता है बेटा, द वे कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर इन अ नेटवर्क, कि कंप्यूटर जुड़े हुए किस तरह एक दूसरे से नेटवर्क के अंदर, वेदर दे यूज अ बस टोपोलॉजी मीन्स अ बस स्ट्रक्चर, वेदर दे यूज अ स्टार स्ट्रक्चर और अ रिंग स्ट्रक्चर, तो देर आर सो मेनी अदर वेज, तो हम उनको देखते हैं बारी बारी, ठीक है बेटा। जब हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं, तो बस टोपोलॉजी इज अ लीनियर टोपोलॉजी, ठीक है। और इस टोपोलॉजी को हम ऑल्सो कॉल्ड अ लीनियर बस टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें बेटा एक मेन वायर होती है, सेंट्रल वायर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है वो परफॉर्म कर रही होती है, और नोड्स जो है बेटा उससे कनेक्ट हुई होती है। तो ये जो पीसीस हैं इनको हम नोड्स कह रहे हैं, ठीक है। वन वायर कनेक्ट ऑल दी नोड्स, तो जो ये ग्रीन वाली मेन वायर है बेटा, इट विल बेसिकली एक्ट एज अ मेन वायर। टर्मिनेटर्स एंड्स ऑफ द वायर, तो जहाँ पे टर्मिनेटर होता है स्टार्ट और एंड पे, जो कनेक्शन के स्टार्ट और एंड का पता बताते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? देखें बेटा, एक सिंपल वायर यूज हो रही है, तो इसलिए इसको आसान है इसको सेटअप करना और इसको एक्सटेंड करना। मीन्स इफ यू वॉन्ट टू एड एन अनदर नोड, तो आप एक कंप्यूटर यहाँ लगा दें और एक और ऐड करना है तो यहाँ लगा दें, तो देर आर सो मैनी वेज और इट कैन इजिली बी टू सेटअप, ठीक है। इसी तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ वायर नीडेड है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वायर नीडेड होने की वजह से क्या है कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वायर है, उससे हम जो है वो पर्टिकुलरली अपना स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? देखिए, जब ये सारे एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होंगे, तो इसमें क्या होगा बेटा कि जो स्पीड है वो भी स्लो होगी, उसके क्रैश होने के चांसेस भी ज्यादा है। क्रैश होने के चांसेस कैसे ज्यादा है बेटा? देखिए, अगर ये वायर खराब हो जाता है तो सारे के सारे नोड्स फजूल हो जाएंगे, सेम एज इट इज। अगर इनमें से कोई एक नोड खराब हो जाती है, मीन्स कि एक वायर खराब हो जाती है, ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं पता चलता कि भाई कौन सा लिंक खराब है। हम जब डेटा भेजते हैं बेटा,
अगर मुझे डाटा भेजना है थर्ड वाले को, वो यहाँ के बाद यहाँ आया ही नहीं है, तो इट मीन्स के देयर में बी अ प्रॉब्लम एट अ सेकंड और अ फर्स्ट। तो हमें सबको वन बाय वन चेक करना होगा, मैनुअली उसकी ट्रबल शूटिंग करनी होगी। तो ये तो सिर्फ चार थे तो आसान लग रहा है, लेकिन इफ देयर आर हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ बस टोपोलॉजी बाय यूजिंग बस टोपोलॉजी, तो उसको ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी ट्रबल शूटिंग मैनुअली हो रही होती है। तो दैट्स हाउ दीज आर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इसी तरह बेटा जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली टोपोलॉजी है इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसको स्टार टोपोलॉजी क्यों कहते हैं बेटा? दे विल मेक अ स्टार लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई दिस टोपोलॉजी इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है बेटा कि सारी की सारी नोड्स जो हैं वो कनेक्ट होती हैं एक सेंट्रलाइज डिवाइस से। वो जो सेंट्रलाइज डिवाइस है ना बेटा, उसका नाम होता है हब या स्विच। मीन्स कि ये जो आपको इस वक्त सेंट्रल डिवाइस नजर आ रही है ना, ये या तो हब होगा या स्विच होगा। सारी नोड्स इससे कनेक्ट हुई भी होती हैं। ठीक है, तो होता है क्या है कि जब भी कोई डाटा पैकेट आता है या जो कोई मैसेज आता है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, वो इस स्विच या हब के पास जाता है। ठीक है, देन इट विल मूव टू दैट पर्टिकुलर नोड। बस टोपोलॉजी में क्या था, हमें नहीं पता था कि किसका पैकेट है क्या है, पहले वाले के पास पूछता था, फिर दूसरे के पास जाता था, फिर तीसरे के पास। लेकिन बेटा स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता। स्टार टोपोलॉजी में सबसे पहले जो डाटा पैकेट है जो है वो हब या स्विच के पास आता है। वो उसको बताता है कि भाई मैं जो है वो नोड वन के लिए हूँ या PC2 के लिए हूँ या PC3 के लिए हूँ या PC4 के लिए हूँ। तो डायरेक्ट आपका जो हब होता है बेटा या स्विच होता है, वो उस डाटा पैकेट को डायरेक्टली उस पॉइंट पे सेंड कर देता है जहाँ उसने जाना होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है बेटा? इजी टू सेटअप, फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल। तो दैट्स देख लें बेटा कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये रिलायबल भी होगा, फ्लेक्सिबल भी होगा। वन केबल कैन नॉट क्रैश द नेटवर्क। यहाँ क्या हो रहा था बेटा, बस टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ एक वायर खराब होने से आपका पूरा नेटवर्क, ये सेंट्रल वायर अगर खराब हो जाए तो पूरा क्रैश कर जाएगा। लेकिन जब बेटा हम स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं, तो अगर कोई एक वायर खराब होता है तो इट विल नेवर क्रैश योर होल नेटवर्क। सिर्फ क्या होगा कि बेटा उस पर्टिकुलर नोड के लिए जो है वो डाटा नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो ये इसकी एक एडवांटेज है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है बेटा, कि अगर हब या स्विच खराब हो जाता है इन केस, तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्रैश कर जाएगा। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है, यहाँ आप देख रहे थे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वायर यूज हो रही थी, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बेटा जितनी ज्यादा नोड्स होंगी उतनी ज्यादा वायर्स यूटिलाइज होंगी, तो लॉट्स ऑफ केबल वायर यूजेस। और सेकंड थर्ड चीज क्या है बेटा, थर्ड डिसएडवांटेज क्या है बेटा, इट मस्ट रिक्वायर्ड अ सेंट्रलाइज डिवाइस। मीन्स क्या, हब और स्विच जरूरी है, वरना ये स्टार टोपोलॉजी बन ही नहीं सकती। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। इसी तरह बेटा आप जो हमारे पास थर्ड वन है रिंग टोपोलॉजी, अगर आप इसको देखो बेटा, तो स्टार टोपोलॉजी जैसे एक्सप्लेन कर रही थी कि स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, सेम एज इट इज। जब हम रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखें आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ईच नोड इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट विद इन द लास्ट वन कनेक्टिंग टू द फर्स्ट वन। तो इसी तरह होता है बेटा कि डिवाइसेस जो है वो इन अ सर्कुलर पाथ जो है एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक टोकन या बास्केट जनरेट होता है। ठीक है, होता क्या है कि अगर इसने इसको डेटा भेजा है तो पूरा होल नेटवर्क जो है वो सस्पेंड रहेगा, तब कब तक, जब तक इनका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो जाता। तो नोड्स मस्ट वेट फॉर टोकन टू सेंड एंड ट्रांसमिट डेटा। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी एक ही वक्त में कम्युनिकेट कर रही हैं, दे हैव टू वेट फॉर इट। और हर नोड को पता होता है कि कितना टाइम लगेगा डेटा सेंड होने में और डेटा रिसीव होने में, तो तब तक कोई और नोड जो है बेटा वो उसका एक्सेस नहीं कर रही होती। इसका एडवांटेज क्या है बेटा, टाइम टू सेंड डेटा इज नोन। हमें पता होता है कि कितना टाइम लेगा इस सिस्टम से इस सिस्टम तक जाने में डेटा। एवरी कंप्यूटर इज गिवन इक्वल एक्सेस, सबको एक ही जैसा इक्वल एक्सेस होता है। और इसमें डाटा कोलिजन भी नहीं हो सकता। क्यों डाटा कोलिजन इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ हम देख चुके हैं कि नोड मस्ट वेट फॉर टोकन टू सेंड ट्रांसमिट डाटा। तो जब ऐसी कंडीशन है बेटा, तो कोलिजन हो ही नहीं सकता। इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखें बेटा जब नोड्स वेट कर रही होंगी तो इट मीन्स इट टेक लॉट ऑफ टाइम, तो ये स्लो होता है। ठीक है, और कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो हमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर में भी यही प्रॉब्लम होता है कि हमें ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम होती है कि कौन सी नोड में, नोड की वजह से ये जो नेटवर्क है वो कोलैप्स हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है, देन डिसएडवांटेज में जो थर्ड चीज है बेटा, वो है रिक्वायर्ड लॉट ऑफ केबल। ऑब्वियस ही बात है बेटा, जिस तरह उसमें रिंग लाइक स्टार टोपोलॉजी में हमें वायर बहुत ज्यादा नीड थी, रिंग में भी बहुत ज्यादा नीड होती है। यहाँ तो अभी आपको सिंगल वायर नजर आ रहा है ना, बट इन रियल होता है क्या है बेटा कि ये जब इससे कम्युनिकेट करता है तो ये भी इससे कम्युनिकेट कर रहा था। मीन्स के वॉइस वर्ड्स डायरेक्शन के अंदर जो है बेटा वो इसका एक्सेस होता है और वो इस तरह काम कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव अ मैश टोपोलॉजी। मैश बेटा जैसे वेब होता है ना, कि मकड़ी जो है, स्पाइडर जो है वो अपना जाला बुनती है, वेब बनाती है, तो मैश में वैसा ही कुछ होता है। ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, हर नोड
बाकी दूसरी नोड से कनेक्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि एक नोड सिर्फ एक से कनेक्ट है, जैसे यहाँ है कि ये इससे कनेक्ट थी और ये इससे कनेक्ट थी बस, और बाकियों से कोई कनेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, तो यहाँ पॉसिबिलिटी ऐसी बनाई जाती है कि एक नोड सारी नोड से कनेक्टेड हुई है। ठीक है, एडवांटेज क्या है बेटा, डेटा विल ऑलवेज बी डिलीवर्ड, डेटा लाजमी है कि डिलीवर्ड होगा। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, कि रिक्वायर मोर केबल एनी देन एनी अदर केबल, ठीक है, और इसका सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये तो मैश टोपोलॉजी थी। तो मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ टोपोलॉजी होती है, जो होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। वो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है बेटा, जैसे यहाँ पे हमने मैश स्टार सबको अलग अलग देखा ना, अब किसी भी दो टोपोलॉजीज को मिला दें, जैसे आपने एक नेटवर्क बनाया उसमें बस और स्टार को मिला दिया, एक नेटवर्क बनाया जिसमें आपने बस और रिंग को मिला दिया, तो दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, दीज टाइप ऑफ टोपोलॉजीज आर नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो वहाँ वीडियो मौजूद है, उसमें जो है वो एक्सप्लेन हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में बेटा जो चीजें हैं उसमें आपको क्या चीजें यूज होती हैं, द फिजिकल पाथ थ्रू विच कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव सिग्नल इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया और अ नेटवर्क मीडिया। वो फिजिकल पाथ जिसके थ्रू आपका डेटा सेंड होता है और रिसीव होते हैं सिग्नल, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया कहलाते हैं और नेटवर्क मीडिया कहलाते हैं। होता क्या है बेटा, होता यह है कि बेटा इनका काम ये होता है ट्रांसमिशन मीडिया।